जय हिंद एवरीवन। लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल हमने देखा था सेम टॉपिक पे ही, ठीक है। कौन सा टॉपिक था हमारे पास? कि करंट लूप था, सर्कुलर करंट लूप था, जिसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन टू आर था, वेयर आर इज द रेडियस, और करंट हमारा क्या है जो उस लूप में ट्रेवल कर रहा था, ठीक। सेकेंड नंबर यह था कि उस करंट जो सर्कुलर करंट लूप था हमारे पास, उसके सेंटर से एक लाइन जाता है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। उस एक्सिस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो उसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे था, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने देखा था, आया था हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल की पावर 3/2। तो इन दोनों एक्सप्रेशन हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल अभी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर। तो उसमें से एक न्यूमेरिकल हमारे सामने ये है उसी टॉपिक पर रिलेटेड, कि टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 और L2, L1 और L2 हमारे सामने हैं। ये लूप हमारे पास से कुछ इस तरह से, ठीक है, ऑफ रेडियस, एक का 3 सेंटीमीटर रेडियस है, दूसरे का 4 सेंटीमीटर रेडियस है, आर प्लेस्ड एस वन, ठीक है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2? अच्छा, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट का क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। L2, so that the net magnetic field at the point O be 0, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें कोई कर्व नहीं होता है, वो सीधे ट्रेवल करता है, कर्व डिक्रीज हो जाता है उसमें। तो अगर इसको मैं देखूं, इसको कुछ इस तरह से देखा जाए, इस तरह से, ठीक है ना, एज्यूम करना है कि कुछ इस तरह से देखा जाए, कोई हमारे पास वो है नहीं, कोई बात नहीं, इस तरह देखते हैं। तो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है, ये वाला फेस आगे है, वो वाला फेस अंदर की साइड में, ठीक है, कोई दिक्कत, या तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे देखना चाहे देखें। अगर ये वाला फेस आप इधर मार रहे हैं, ये वाला फेस अंदर मार रहे, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास है। अगर आप इधर से देखेंगे तो देखने के ऊपर, उधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं ये फेस हमारा आगे, क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और इसमें अगर हम क्लॉकवाइज मान लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसे भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, सेंटर पे, इसके सेंटर पे, ठीक है ना। तो यह ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट होना चाहिए। अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर लेफ्ट हैंड है, जब इधर एंटी क्लॉकवाइज है इधर राइट हैंड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ 0 हो जाएगा। पूछा है हमारा किसके लिए, सो दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, करंट की वैल्यू पूछा है, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड का करंट का डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट करंट का डायरेक्शन हमारा इस वाले लूप में होगा। इसमें कुछ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक डायरेक्शन द करंट इन द लूप L2, तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो बस हम कह देंगे जो भी इस लूप में करंट का डायरेक्शन होगा इसका जस्ट अपोजिट इस लूप में करंट का डायरेक्शन होगा, अगर हमें उस ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 करना है। एक काम करते हैं, क्या ये एक्सिस वाला केस नहीं बनता है इसके लिए ये पॉइंट, तो हम इसके इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो क्या कह सकते हैं कि L1 L2 है, कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर लूप 1 विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ लूप 2। और हमें फॉर्मूला इसका पता है क्या, म्यू नॉट, दोनों में इसमें करंट हमारा I1 फ्लो हो रहा है, म्यू नॉट I1 आर म्यू नॉट I1 इसको लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप एंड ए इज द दिस डिस्टेंस, एक्सिस का जो डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 ब्रैकेट में एक्सिस का डिस्टेंस, पहले लूप के लिए हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस दूसरे के लिए रेडियस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूरा लिख लिया, सेम तरीके से दूसरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे और हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट I2, और I2 डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए ये क्लॉकवाइज जा रहा था, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं I2 कर देते हैं, तो I2 हमारे पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × अगेन हमारे पास रेडियस का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। देखते हैं क्या कैंसिल आउट होता है, क्या कह सकते हैं कि म्यू नॉट कैंसिल आउट 2 से 2 कैंसिल आउट, ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा
आई वन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई टू 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. ओके आई टू कैन बी रिटन एज आई वन मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट. आई वन हमारे पास कितना दिया है 1 एम्पियर. यहाँ पे 1 एम्पियर पुट कर दीजिए. 3 3 9 और 4 4 16 16. तो आई टू हमारे पास आ जाएगा कितना 9/16 एम्पियर. यानी दूसरे क्वायर में जो हमारा करंट फ्लो करेगा कितना फ्लो करेगा 9/16 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो करेगा. ठीक है इसको सॉल्व कर देंगे पॉइंट वैल्यू आ जाएगी. इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे. लास्ट वीडियो हमने देखा था कि सर्कुलर अगर लूप है तो उसके सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और किस शेप का होगा. ये लास्ट वीडियो हमने देखा था. उस लास्ट वीडियो को ज्यादा एक बार देख लीजिएगा. आई बटन में शो करेगा लास्ट वीडियो हमारा. ठीक है तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है. कह रहा है अ लॉन्ग वायर हैविंग सेमी सर्कुलर लूप. कोई लॉन्ग वायर होगा बीच में इसको ऐसे बेंड कर दिया गया. ठीक है ऐसे हो सकता है. लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर. रेडियस हमारे पास दिया है सेंटर ओ से स्मॉल आर रेडियस पर. ठीक है कैरीज अ करंट कैपिटल आई. कोई दिक्कत नहीं ऐसा नहीं चाहिए. फिगर में दिखाया गया है. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर एट द पॉइंट ओ. पूरे वायर की वजह से पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. कोई दिक्कत नहीं है. इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं पार्ट बाय पार्ट. तो पॉइंट ओ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये जो हमारे पास एक पार्ट है पार्ट वन ये वाला और ये हमारा जो कर्व वाला पार्ट है ये पार्ट टू और ये वाला पार्ट थ्री. तो पहले देखना था तीनों पार्ट के इंडिविजुअली उस पॉइंट ओ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है. फिर लास्ट में डायरेक्शन देख कर उसको ऐड कर लेंगे. कोई दिक्कत अच्छा मान लीजिए एक डीएल वेक्टर में यहाँ ले लूँ और हमारे यहाँ पे आर वेक्टर है. ये डिस्टेंस ये हमारे पास आर वेक्टर है. तो क्या कह सकते हैं कि जो थीटा है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर क्या हम कह सकते हैं 0 डिग्री है. सॉन थीटा और बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ. देखिए कंप्लीट वायर की वजह से अभी नहीं होता लेकिन बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ हम कह सकते हैं डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या था यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड आर स्क्वायर. तो साइन 0 की वैल्यू तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी. यानी इस वायर के एक्सिस पे चाहे आगे हो या चाहे पीछे हो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा. कंट्रीब्यूशन ऑफ वायर वन कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन एट सेंटर विल बी 0 मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है सेम केस में यहाँ पे जो डीएल है जो आर है उसके बीच में पाई डिग्री का एंगल होगा 180 डिग्री. आप यहाँ पाई पुट करेंगे तो अगेन वैल्यू 0 आ जाएगा. यानी कह सकते हैं कि अगेन वायर 3 की वजह से भी नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं. एक काम करते हैं हमको तो सर्कल के सेंटर का वैल्यू पता है ना क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. सेमी सर्कल का नहीं पता है लेकिन बाय लॉजिक वगैरह का आंसर आ जाएगा. लॉजिक अभी लास्ट में देखते हैं. पहले देखते हैं अगर नहीं कुछ पता तो हमें बायो सेवर्ट का तो सहायता है या सुनो उनका तो हेल्प हमको हमेशा मिलेगा. तो बायो सेवर्ट ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है एक डीएल वेक्टर लीजिए. ठीक है तो जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने कर लिया. डीएल वेक्टर से और आर वेक्टर में यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री है. तो हम कह सकते हैं सेकेंड वाले केस में जो थीटा है हमारे पास 90 डिग्री है एंड बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई यहाँ क्या हो जाएगा आई डी एल साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. कोई दिक्कत. तो ये तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से ऐसे कई सारे छोटे 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 एलिमेंट मिलके हमारे कंप्लीट सेमी सर्कल को बनाएंगे. तो उसको फाइंड करने के लिए क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ. ठीक है जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेमी सर्कल मिल जाएगा. सेमी सर्कल कैसे लिखें ऐसे लिख दें सेमी सर्कल. ठीक इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई. ये डीएल कह रहा है कि एल वेरिएबल है यानी जहां जहां एल नहीं हो सारे कांस्टेंट हैं. ऑपरेटर करेगा क्या सारे कांस्टेंट को बाहर कर देगा. तो ऑपरेटर ने सारे कांस्टेंट को बाहर कर दिया. कोई टेंशन नहीं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल. हमें चाहिए क्या ये सारा लेंथ ही तो चाहिए. क्या ये हाफ सर्कल है फुल सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना 2 पाई आर. तो हाफ सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना सिंपली पाई आर. बचपन से आप सभी लोगों को पता है यह सुनो इसमें डाल दीजिए पाई आर. कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. क्या दिक्कत हुआ आर से एक आर गया पाई से पाई गया. देखिए आंसर हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पार आंसर 4 आर. 4 पार नहीं 4 आर आंसर आ रहा है हमारे पास. ठीक है तो कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है.
अस्त्र वाली बात है क्या? सर हमको तो पहले से ही पता है क्या मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक्सप्रेशन था हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। तो सेमी सर्कल की वजह से क्या होगा? सिंपली हाफ हो जाएगा, यस और नो, यानी 1/2 हाफ हो जाएगा आई अपॉन टू आर। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जा रहा है कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। कोई दिक्कत? तो भाई लॉजिक भी आप करेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा भाई। कॉन्सेप्ट जैसे हम जाते हैं बायो सेवर्ट लॉ की यूज करते हुए उनका हेल्प लेते हुए आप जाएंगे भाई, हेल्प लेना भी चाहिए इतना मेहनत किया उन्होंने, ठीक है, हेल्प लेते हुए आप आगे जाएंगे तभी हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आएगा। आपका काम क्या है कि इसको याद रखना है कि कोई भी वायर है उसके एक्सिस पे कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे वो हमेशा जीरो होगा, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। सेमी सर्कल पे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कंप्लीट सर्कल में क्या हो जाएगा? सेंटर पे म्यू नॉट अपॉन सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, करंट हमारा कितना है 12 एम्पियर है, इज बेंड इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, एज शोन इन फिगर ए। फिगर ए हमारे पास है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द आर्क? आर्क के सेंटर पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन को बताना है ए में। वुड योर आंसर चेंज इफ द वायर वेयर बेंट इन टू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द अपोजिट वे एज शोन इन द फिगर? तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, कैसे करेंगे? तो पहला तो अभी हमने जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन देखा था, हमने देखा था इस पॉइंट ओ पे इसके और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगा वो जीरो होगा, जो भी होगा इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से होगा। तो अगर ए की बात करें तो हमारे पास सिंपली एट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। कंप्लीट सर्कल होता तो क्या होता ये, उसके सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता। सेमी सर्कल है इसलिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर है। म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। करंट हमको दिया है कितना 12 एम्पियर डिवाइडेड बाई 4 × r हमारे पास दिया है 2 सेंटीमीटर, डेट इज 2 × 10⁻²⁪ मीटर। या कैलकुलेट करेंगे, वीडियो पॉज करके यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 1.9 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। मैथ क्लास का करेक्ट आंसर है 1.9 × 10⁻⁴ टेस्ला। कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा यहाँ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो करते ही आ रहे हैं, इसको कोशिश कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा कि व्हाट इज डायरेक्शन? तो अगर हम देखें यहाँ पर करंट डायरेक्शन हमारा ये है, अगर आप ऐसे फिंगर टर्न करते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है? नॉर्मली इनवर्ड कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विल बी नॉर्मली इनवर्ड, यस और नो। केस भी लेते हैं, देखिए केस बी में मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा सेंटर ओ पे। केस बी में भी मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा, 1.9 × 10⁻⁴ टेस्ला ही आंसर आएगा। तो क्या देखो केस बी में भी करंट की वैल्यू हमारी बदली क्या नहीं बदली, रेडियस हमारा बदला क्या नहीं बदला, म्यू नॉट हमारा सेम ही है, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। बस बात यह है इस पर डायरेक्शन का, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर हम करंट के डायरेक्शन में अपना थंब लेकर जाएं तो हम अगर फिंगर कर्ल करते हैं, तो इस पॉइंट से फिंगर हमारा आउटर डायरेक्शन में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा केस बी में ये चेंज होगा बस, बाकी मैग्नेट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का सेम रहेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉर्मली आउटर डायरेक्शन, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, इससे अभी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तभी क्वेश्चन का लिस्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वीडियो के साथ साथ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो पॉज जरूर करिएगा जब क्वेश्चन सामने आता है। सॉल्व करने के बाद एक बार सोल्यूशन आप देखिएगा, सोल्यूशन आपका करेक्ट है बहुत अच्छे, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा है सही से तो पहले देखिए वैल्यू डेटा कैसे पुट किया गया है, डेटा सही पुट करके कैलकुलेशन करिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन बच्चे इसलिए मैं नहीं कर रही क्योंकि समय लेगा, टाइम लेगा, बस वीडियो कर लेंगे तो और इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या मतलब उससे हम ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे कम समय में, ठीक है। तो कैलकुलेशन पोर्शन आप करेंगे, अगर कहीं कैलकुलेशन में भी दिक्कत आता है कि सर इस वीडियो में इस क्वेश्चन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आया था, एक बार करके बता दीजिए, लेकिन उससे पहले आप कम से कम 2 से 3-4 अटेम्प्ट खुद उसको देंगे, ठीक है। ईमानदारी से आप अटेम्प्ट दीजिए, फिर भी नहीं होता तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगेन, और प्रॉपर उसको सॉल्यूशन भी सॉल्व भी किया जाएगा, साथ में सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर डेडिकेटेड वीडियो होगा तो आराम से कर लेंगे उसको।
तब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा तब तक।